हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, ऑजियो सिस्टम, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, और टॉपिक्स आज कौन कौन से कवर करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, अपर लिम, लोअर लिम और पेल्विक रीजन और पेक्टोरियल रीजन। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdsfarmacy.in से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम डेली बेस MCQ डालते हैं, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन देखेंगे। ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन इज द बोनी फ्रेम ऑफ द अपर एंड लोअर लिम, यानी जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये बोनी फ्रेमवर्क है किसका, अपर और लोअर लिम का। ठीक है, एंड द सपोर्टिव गार्डियल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 126 बोन्स, कितने होते हैं 126 बोन्स। ठीक है, जो ये एटी बोन्स थे वो किस में थे, वो एक्सियल बोन में थे। अब एपेंडिकुलर बोन में कितने होते हैं 126 बोन। ठीक है, दैट एंकर द अपेंडिज टू द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब आप एपेंडिकुलर बोन देखें तो पेक्टोरियल गार्डियल के पास 4 बोन्स होते हैं। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी के पास 60 बोन्स होती हैं और पेल्विक गार्डियल के पास 2 होती है। ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटी के पास 60 होती है। ठीक है, ये आपका देख सकते हो स्ट्रक्चर, इसमें कैल्विक 2 होते हैं, स्कैपुला 2, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पलस, मेटाकार्पल, पलेगिस। ठीक है, हिप बोन होती है। ठीक है, फ्यूमर, पेटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, पलेगिस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक एक करके हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे अब। ठीक है, पहले देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सट्रीम लिम, अपर लिम। ठीक है, अपर एक्सट्रीम लिम, ठीक है, यानी अपर लिम, यानी जो हैंड होता है पूरा ये अपर लिम में आता है। ठीक है, इसका देख लीजिए, होता है कैल्विक लिम। ठीक है, स्केपुला ये होता है। ठीक है, तो आपको फ्रंट में चेस्ट के ऐसे पार्ट पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे ये हो गया चेस्ट, ये हो गया एंड, यहाँ पे होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है ह्यूमरस। ठीक है, जो ऐसे लॉन्ग बोन्स होती है। ठीक है, ये होता है अल्ना। ठीक है, ये जो होती है, ठीक है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, कार्पल ये होते हैं। ठीक है, ये राइस, और मेटा कार्पल की बात करें तो ये हो गए। ठीक है, और पलेरिस की बात करें तो ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो अपर लिम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईच अपर लिम कंसिस्ट 30 बोन्स, यानी जो ईच अपर लिम है राइट और लेफ्ट, ये 30 30 बोन्स कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, विच आर डिवाइडेड बॉडी इंटू 3 पार्ट्स, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ह्यूमरस एंड आर्म बोन। ठीक है, पहले ह्यूमरस एंड आर्म बोन देख लेते हैं। इट इज द लॉन्गर बोन ऑफ द फोरब्रेन, द हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकल्चर विच विद इन द ग्लैंडुलर कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, जो सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, वो होते हैं ह्यूमरस, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा ह्यूमरस। ठीक है, और अल्ना और रेडियस, दिस बोन्स टुगेदर फॉर्म द बोन ऑफ द फोरआर्म, यानी ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये फोरआर्म का ब्रेन बनाते हैं, बोन बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया अल्ना, ये हो गया रेडियस, ये हो गए दोनों अल्ना और रेडियस। ठीक है, और अल्ना इट फॉर्म द मीडियल बोन ऑफ द फोरब्रेन, ये मीडियल बोन की तरह भी काम करता है। ठीक है, रेडियस इट इज लेटरल बोन ऑफ द फोरब्रेन, ये लेटरल बोन की तरह काम करता है। ठीक है, कार्पल एंड मेटाकार्पल, ये एट इनरेगुलर शेप बोन नोन एज द कार्पल और अरेंज इन द प्रोमैक्सल एंड डिस्टल रो। ठीक है, जो ये एट इनरेगुलर शेप की होती है वो कार्पल, जो डिस्टल रो में, प्रोमैक्सल एंड डिस्टल रो में अरेंज होती हैं। ठीक है, द प्रोमैक्सल कार्पल इंक्लूड स्टेपलॉइड, लूनेट, ट्राइकोनेट। ठीक है, पिसीफॉर्म। ठीक है, वाइल द डिस्टल डिस्टल कार्पल्स इंक्लूड ट्रेपिजायम, ट्रेपिजॉइड और कैपिटेटी एंड हेमिटे। ठीक है, देर आर 5 मेटाकार्पल एंड नंबर फ्रॉम लेटरल टू मेडिकल साइड एंड हैविंग द हेड शाफ्ट एंड बेस। ठीक है, ये पहले 14 पहले गेस प्रेजेंट इन द सिंगल हैंड। ठीक है, विच 2 और इन द थंब, वाइल 12 और प्रेजेंट इन द फोर फिंगर। ठीक है, ईच इन 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पेल्विक गार्डियल की। ठीक है, ये देखिए, ये होता है पेल्विक, ये होता है इलियम। ठीक है, पेल्विक क्रेस्ट, स्पाइन। ठीक है, एक्टेबुलम, स्क्यूमा पुबिक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो डायग्राम। ठीक है, ये इसमें पार्ट्स होते हैं, जो एक एक पार्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये पेल्विक गार्डियल इज ए इनरेगुलर आर्क शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेड अप ऑफ कोरेक्स एंड इनोमेटिव बोन्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो
एलिगेटर की बोन है ये किससे बनती है? ये बनती है कोएक्स और इनक्रोमेटिन बोन से, ठीक है। द आर्क ऑफ द पेल्विक गर्डल इज आर्किकल आर्की कल्टिवेटेड बाई द हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नोन एज सिंपेसिक्स पूबिक्स, ठीक है। द बोन्स कंप्रेस पेल्विक गर्डल इंक्लूडेड, ठीक है, पेरिनियम। इट इज अपर एक्सपेंडिंग पार्ट ऑफ द हिप बोन हैविंग प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हिप बोन के ऊपर होता है, ये देखिए ये रहा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जॉइंट स्क्रैल्यू लाइक जॉइंट, इट इज पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर स्कैपुला एंड इलियम, ठीक है। ये स्केपुला और इलियम का जो जॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रोलीक जॉइंट, ठीक है। ग्रेट स्टैटिक नर्व, इट इज एक्ट एज ए पाथवे विच स्टैटिक नर्व पासस थ्रू द लेग, ठीक है। ये जो नर्व्स हैं उनको पास करने में ये पाथवे बनाता है, ठीक है। इट इज फ्लैट सर्फेस ऑफ द इलिनियम, ठीक है। इल्का फोसा क्या है? ये फ्लैट सर्फेस है किसका? इलिनियम का, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम। इट इज द फॉर्म पोस्टीरियर इंटरफेयर रीजन ऑफ द हिप बोन, ये पोस्टीरियर इंटरफेयर रीजन बनाता है हिप बोन का, ठीक है। ऑब्टूस फॉरमैन, इट इज ए लार्ज होल थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंड नर्व पासस, ठीक है। इस्टियल ट्यूबरोसाइट, ठीक है। इट इज रफ एंड थिक सर्फेस ऑफ द स्टेलियल बोन, ठीक है। एसिटिबुलम, ठीक है। इट इज वाइडल सॉकेट लाइक कैविटी दैट होल्ड द हेड ऑफ द फ्यूमर एंड थिन बोन, ठीक है। पुबिक की बात करें तो द इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन हैव थ्री पार्ट्स, सुपेरियर रैमस, इन्फीरियर रैमस एंड बॉडी, ठीक है। दिस थ्री पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द प्यूबिक एंड मीट टू फॉर्म स्मॉल एरिया लाइक डीप सॉकेट कॉल्ड एसिटिबलम, ठीक है। द सॉकेट आर्टिकल्चर विद द फेम बोन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, पैचुरेशन एंड द पेल्विक ऑफ द फीमेल एक्सट्रीमली फ्लेक्सीबल, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम इज सपोर्टेड बाय द पेल्विक गर्डल, ठीक है। प्रोटेक्शन, इट इज इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज डेवलपिंग फ्यूटर्स इन प्रेगनेंट फीमेल, ठीक है। ये इसके फंक्शन हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोअर लिम की, एक्सट्रीमली लोअर लिम होता है, ठीक है। ये देखिए ये तो हो गया हिप बोन, ये पेल्विक रीजन हो गया, ठीक है। बात करते हैं फ्यूमस की, पेटेला, ठीक है। नी कैप को पेटेला बोलते हैं, ठीक है। टिबिया ये वाली जो पीछे वाली होती है, ठीक है, और जो फ्रंट वाली होती है इसे हम फिबुला बोलते हैं, ठीक है। टार्सल यहाँ पे मेटाटार्सल और प्लेग, ठीक है, एलेगस, ठीक है। बात करें फ्यूमस, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। द हेड प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द फ्यूमर्स, ठीक है। ये हेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो अपर एंड फ्यूमर्स होता है वहाँ पे, ठीक है। और आर्टिकल्टुरेटेड विद इन द हिप बोन, ठीक है, पेटेला, ठीक है। इट इज सेमी सॉलिड बोन लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द फ्यूमर, ठीक है। टिबिया, इट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द लोअर लिम, ये लोअर लिम की लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। इट इज located mediated the medial condial end of the tibia, ठीक है। fibula, it is lateral bone present in the lower limb whose head of the upper and snows, ठीक है। tarsals होते हैं metatarsal और phalanges, ठीक है। जो हो गए pectoral girdle, ठीक है, ये देखिए scapula और क्या है, तीन flat bone ये होती है, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या देखा? पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन देखे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ लोअर लिम देखा, अपर लिम देखा, ठीक है, फिर पेल्विक गर्डल देखे, ठीक है, फिर जो है पिक्टोरियल ग्लैंड देखे, ये होते हैं पिक्टोरियल ग्लैंड, ठीक है, इसमें सेल्वेक्चर और सेपुला होता है, ठीक है। अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें जरूर फार्मेसी फ्रेंड्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।